सो हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल जय जोहार, मैं हूं सोमेश और मैं कर रहा हूं 500 दिनों की भारत यात्रा। भारत यात्रा की इस कड़ी में आज मैं आपको ले चलूंगा चेरापूंजी की विभिन्न टूरिस्टिक जगहों पर। हम दिखाएंगे आपको मेघालय में जितनी भी खूबसूरत जगहें हैं जिन्हें आप चेरापूंजी आते हैं तो घूम सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से वीडियो को। तो अभी मैं जिस ब्रिज पे खड़ा हूँ, अगर इस आप चेरापूंजी आते हैं तो इस ब्रिज से आपको क्रॉस होना पड़ेगा। बहुत ही मतलब सुंदर सा ब्रिज है और जितने भी टूरिस्ट आते हैं सबसे पहले देख सकते हैं आप मेरे पीछे फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। तो भाई ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, मतलब यहाँ से आपको गुजरना ही पड़ेगा अगर आप चेरापूंजी घूमना जाना चाहते हैं तो। सो दिस इज़ द फर्स्ट व्यू पॉइंट, अगर आप चेरापूंजी आते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा। और नीचे चल के मैं दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट है, इसका नाम है द्वान सिंह सिम व्यू पॉइंट दिमपैप सोरा। तो चलिए लेके चलते हैं आपको। और अगर आप यहाँ पर अभी फ़िलहाल आ रहे हैं तो यहाँ पर सिस्टम ये है कि आपको यहाँ पर नेम और अपना फ़ोन नंबर डालना होगा, किसी प्रकार की कोई टिकट नहीं है। और चलिए नीचे चलते हैं हम आप। भाई मेरे पीछे आप देख सकते हो मतलब बादलों का तूफान आ गया है। और ये जो दिमपैप व्यू पॉइंट है तो यहाँ तक का आपको कोई टिकट नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप ये जो एक पॉइंट है इससे आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पर ये आंटी है ये बोल रही है कि टिकट लगेगा। मैं फ़िलहाल वहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पर देख रहा हूँ क्योंकि व्यू ऐसे भी नहीं दिख रहा, बादल हैं, बहुत सारे क्लाउड्स आ जाते हैं अचानक से, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं जब आप व्यू देख पाते हैं। लास्ट टाइम जब मैं 2018 में आया था तब मेरे को बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखा था, मतलब आप जैसे बादल नहीं होंगे ना तो बहुत ही शानदार नज़ारा यहाँ से आता है। तो जैसे ही आप आते हैं चेरापूंजी तो इस पॉइंट को ज़रूर आइए, अगर आप नीचे नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, सेम व्यू दिखता है, बट यहाँ तक आइए, यहाँ तक की कोई टिकट नहीं है तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो भाई 50 रुपीज़ जो है टिकट है अगर इस पॉइंट से आप आगे जाते हैं तो। मैं चलता हूँ आगे की जगह आपको दिखाता हूँ जहाँ पर टिकट लगेगी नहीं लगेगी उसकी जानकारी भी आपको मैं देता चलूँगा। तो यहाँ पर बहुत सारे भुट्टे उट्टे बिक रहे हैं। तो भाई साहब आज वन ऑफ द टफ काम करने जा रहे हैं, मतलब क्योंकि हमें अलग अलग पॉइंट्स को घूमना है और अलग अलग पॉइंट्स के लिए लिफ्ट मिलना आप जैसा कि जानते हैं बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर पॉइंट का जो डायरेक्शन है ना वो अलग अलग दिशाओं में है। तो देखते हैं आज का दिन चैलेंजिंग होगा, प्लस खूबसूरती भी आपको दिखाएंगे, व्यू पॉइंट्स दिखाएंगे और वो भी मतलब लिफ्ट मांग के। तो ये एक थोड़ा सा यूनिक चीज़ है क्योंकि जैसे अब नॉर्मल किसी रास्ते पर जाना है तो फिर तो ठीक है, लिफ्ट मांग के व्यू पॉइंट्स दिखाना मतलब अपने आप में थोड़ा सा यूनिक है। तो देखते हैं मिल पाती है कि नहीं। फिलहाल रास्ते में मैं खड़ा हूँ और लिफ्ट का इंतज़ार हो रहा है। हरियाणा की नंबर प्लेट की गाड़ी यहाँ पर नहीं रुकी, लेकिन पहले ही रुक गई, लेकिन अपने रुकवाने पर नहीं रुकी, दो तीन लोग थे, जगह थी, लेकिन कोई बात नहीं। और यहाँ पर दरअसल टू व्हीलर में लिफ्ट लेने में दिक्कत ये है कि हेलमेट वाला चक्कर है, तो विदाउट हेलमेट तो कोई बैठाएगा नहीं भाई। सब फाइनली बाइकर्स का ग्रुप मिल गया है। कहाँ से आप लोग? आप से वो हार्टी से भाई साहब और इनका भी यूट्यूब चैनल है। तो कहाँ तक जा रहे हो आप लोग? जाने बक्सर है, वहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल है, उसको करेंगे एक्सप्लोर करने की बात है। नाम है राइडर्स मीनाक्षी विरासत, राइडर्स मीनाक्षी विरासत। चलते हैं आपको खूबसूरत सी राइड में। तो भाई साहब हम हिचहाइकिंग कर रहे थे और जब हिचहाइकिंग करते हैं ना तो आप अपने जैसे कुछ घुमक्कड़ों से मिल जाते हैं, तो हमें मिल गए हैं सर और इन्होंने दी थी हमें लिफ्ट। व्हाट्स योर गुड नेम? वेदांत राजकुमार। वेदांतु? वेदांता? वेदांता। वेदांता। एंड मीनाक्षी। मीनाक्षी
अंकित बनर्जी। तो ये भाई सब लोग से मिले और मेरे को सबसे अच्छी बात क्या पता चली पता है, मैम ने किया हुआ है उमिंगला और लास्ट किया था yes. तो शी इज़ द सेकेंड लेडी। सर ने अभी बात हो रही थी मतलब इनसे तो पता चला हमें, तो सेकेंड लेडी है और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड yes. तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भाई साहब नाम है। तो यार घुमकड़ी का जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है यही होता है कि आप अपने जैसे लोगों से मिलते हैं, सेम माइंडसेट के लोग होते हैं। तो फिलहाल ये तो राइडर्स हैं, हम इस हाइकिंग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। हम लोगों को भी बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। मतलब ये दिस इज रियली मोटिवेटिंग, दिस फेलो इज वॉकिंग, जस्ट इमेजिन, वी कैन इमेजिन आल्सो कि एक बंदा चलते चलते कितना दिन, 500 क्या टारगेट टुडे, 500 डेज अक्रॉस द इंडिया, 500 मतलब उनका टारगेट है जाना है। सो सबको ब्लेसिंग देना चाहिए और ताकि ये सेफली वापस अपने घर चले जाए। थैंक यू सो मच। आपका चैनल का नाम है ना कुछ? हम लोग राइडर मीनाक्षी वेदांत, हम लोग का चैनल का नाम ही यही है, राइडर मीनाक्षी एंड वेदांत, वी ट्रैवल टुगेदर समटाइम्स सोलो आल्सो। तो भाई अगर आप देख रहे हैं तो यार बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है इनकी भी, जाके सब्सक्राइब वगैरह करो और थोड़ा प्यार व्यार दिखाओ इनको भी। नाम है वाटरफॉल देखने, और उसके बाद दो तीन और पॉइंट्स हैं जिनको हम आज कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे चेरापुंजी की खूबसूरती को। फिलहाल इतना फॉग हो रखा था ना यार, अभी मौसम खुल गया थोड़ा सा, तो बाइकर्स जो भी भाई साहब लोग थे उन्होंने जिन्होंने हमें लिफ्ट दी थी वो चले गए दूसरी तरफ, और हम जा रहे हैं यहाँ से पैदल, लगभग 4 किलोमीटर है। तो चलिए देखते हैं लिफ्ट मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज़ पैदल ही नापते हैं। मैं पहुँच गया हूँ डेंथ लैंडफॉल, ऐसा ही कुछ है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो सकता है। दिखाने का मन तो बहुत है लेकिन बहुत ज़्यादा फॉग आ रखी है, तो पता नहीं अब दिखेगा कि नहीं, लेके चलते हैं आपको। मैं फ़िलहाल आया हूँ, कुछ भाई साहब लोग हैं, ये उनकी कार है और ये लोग हैं। हेलो, क्या नाम है सर आपका? मैं सर एल्बर्ट। एल्बर्ट सर हैं। हेलो, हरि प्रसाद शर्मा। तो सर लोग के साथ मैं आया हूँ और अच्छा लग रहा है यार, सर लोग भी आज घूमने निकले थे तो मिल गए, तो हम भी इनके साथ आ गए, वरना मतलब भाई सड़क से ना मेन रोड से मतलब 5 से 6 किलोमीटर है, तो पैदल आने में 1 से 1.5 घंटा तो हमारा ऐसे ही ख़राब हो जाता है। तो और इसमें भी किसी प्रकार की कोई टिकट वगैरह नहीं है और इन्जॉय कर सकते हैं व्यू को, बहुत ही खूबसूरत है। फॉगी होने के कारण मतलब ज़्यादा दूर तक विजिबिलिटी नहीं आ रही है, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है। मेरे पीछे आप वाटरफॉल की आवाज़ सुन सकते हैं। तो भाई सामने चेरा वाटरफॉल्स है, लेकिन फॉग इतना ज़्यादा है, धुआं इतना ज़्यादा है, कुछ दिख नहीं पा रहा, तो क्या करें बताइए आप लोग ही। मतलब वॉकिंग करके थोड़ा सा ऐसे विज़िट करना मतलब बहुत टफ होता है, लेकिन कर रहे हैं अपन जैसा भी होता है, क्योंकि भाई पैसे नहीं अपने पास, सीधी सी बात है। तो घूमना भी है, पैसे भी नहीं है, तो वॉकिंग जो है करनी पड़ेगी। ज़्यादा दूर नहीं है, 5-6 किलोमीटर है, तो 5-6 किलोमीटर का मान के चलो 1 घंटा लग जाएगा पहुंचने में। वहां से आते वक्त, क्योंकि अभी तो हमें पॉइंट कवर करते हुए जाना है, वहां से आते वक्त ट्राई करेंगे कि डायरेक्ट मॉक डॉक के लिए हमें लिफ्ट मिल जाए। तो भाई साहब बहुत तेज़ लगी थी भूख चल चल के, और फिलहाल मैं खाने के लिए रुका हूँ, छोटा सा ढाबा है, छोटा सा रेस्टोरेंट है वहाँ पर, और थाली खाते हैं क्योंकि चावल खाएंगे तभी एनर्जी आएगी चलने में। आपको कैसा लग रहा है हमारा चलना? मतलब लग सकता है कि आपको थोड़ा कष्ट आया क्या, लेकिन अच्छा लगता है, एंजॉय मतलब होता है, इसमें भी एक अलग प्रकार का अनुभव है। बस चल रहे हैं और रास्तों का एक्सपीरियंस करते हुए मज़ा भी आ रहा है। वो ऋषि भाई हैं, इनके साथ हम पहुँच चुके हैं 7 सिस्टर्स, और सबसे अच्छी बात क्या पता है, आज धूप निकली हुई है तो बहुत अच्छे से हमें दिखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। तो लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा धूप नहीं थी, मतलब फॉगी सा वेदर था, तो सही से दिख नहीं रहा था, और अभी फ़िलहाल बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है वाटरफॉल। आज विजिबिलिटी क्लियर होने के कारण बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है वाटरफॉल, और पता नहीं समझ आ रहा है कि नहीं कैमरे में, लेकिन आँखों में देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत है वाटरफॉल, लेकिन शर्त यह है कि अगर आप लकी रहेंगे तभी दिखेगा, मतलब बहुत ज़्यादा फॉग रहती है यूजुअली, लेकिन आज सनलाइट है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। यहाँ से नीचे छांव पड़ रही है, लेकिन उस साइड देखेंगे तो बहुत ही
शानदार व्यू। तो बस फिलहाल मैं बैठा हूँ चेरापूंजी का व्यू लेते हुए, मतलब मेरे नीचे पूरा शहर है और एक व्यू पॉइंट है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठ के। तो गाइस हमने आपको दिखाया चेरापूंजी में विभिन्न जगहें जिन्हें आप अगर चेरापूंजी आते हैं तो घूम सकते हैं, देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक का बटन दिख रहा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसी ही खूबसूरत वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बन रहे और देखते रहिए हमारी भारत यात्रा। चलिए मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और धन्यवाद।